Jai was a wisp of a boy, a tangle of limbs perpetually dusted with the red earth of the Mumbai slums. Clothes hung loose on his frame, a testament to the meager meals his family could afford. Yet, when Jai ran, the slums faded away. He was a blur of brown skin and wild hair, propelled by नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है बेहद खास, क्योंकि जिन्हें इंग्लिश नहीं भी आती है वो इस तरीके का एनिमेटेड मॉरल इमोशनल सैड स्टोरीज बना सकते हैं जिसकी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है। जी हाँ, जैसे कि आप ये चैनल देख सकते हो, द टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ, इसके 38,000 सब्सक्राइबर्स है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 49 वीडियोस के साथ। इसके सारी वीडियोस एनिमेटेड हैं। इसी के अलावा अगर हम इसके क्रिएशन डेट की बात करेंगे तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि ये चैनल को बने हुए कितना समय हुआ है। आप देख सकते हो, ये चैनल 23 फरवरी 2024 को बना है और इसमें इतने से कम समय में 14 लाख के ऊपर व्यूज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा इसकी जो व्यूज है वो 15 लाख के ऊपर चले जाएंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने के अंदर में। 3.5 महीने के अंदर में ये जो ग्रोथ है काफ़ी ट्रेमेंडस ग्रोथ है। अगर आप भी अपना चैनल इसी तरीके से ग्रो करना चाहते हो और इस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि इस वीडियो के अंत तक आप ऐसे वीडियोस बनाना आसानी से सीख जाओगे, वो भी फ्री टूल्स के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैनल में जो वीडियोस है उसे प्ले करके देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे एड्स चल रहे हैं, दैट मीन्स ये जो चैनल है ये मोनेटाइज्ड है। आप इसके वीडियोस देख सकते हो, इसमें जो है इमेज को एनिमेट किया है, एक AI से वॉइस जनरेट किया है एंड देन वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है इस तरीके की वीडियो बनाना। मैं आपको जितने भी टूल्स बताऊंगी वो सारे फ्री टूल्स होंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वॉइस ओवर के लिए मैं टूल बताने वाली हूँ, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँगी 2024 में इस तरीके के वीडियो बनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि हमें जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा शुरू हुआ है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स टूल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप ये सारे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन अर्न इन डॉलर्स। तो चलिए सोशल ब्लेड में इसकी अर्निंग देख लेते हैं हम। आप देख सकते हो लेफ्ट में चैनल है, राइट में सोशल ब्लेड अकाउंट है, 49 अपलोड्स है, 38,000 सब्सक्राइबर्स है। तो ये जो चैनल है सेम है। नाउ अब हम अर्निंग की तरफ देखेंगे। आप देख सकते हो मंथली $47 से $759 ये चैनल अर्न कर रहा है, जो कि 3.5 महीने के स्पैन में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ईयरली इसकी अर्निंग, एस्टिमेटेड अर्निंग 569 से $9,000 है, जिसे हम 500 से 9,000 भी बोलेंगे तो भी बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी ये 3.5 महीने के अंदर में। ठीक है, अब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे इंडियन करेंसी में, जिसका रेट अभी 83.42 रुपीस चल रहा है, तो आप हैरान रह जाओगे कि ये 3.5 महीने के अंदर चैनल कितना कमा रहा है। और आप भी इस तरीके का चैनल क्रिएट कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती हो तो। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश ना आते हुए भी आप किस तरीके से ऐसे चैनल बना सकते हो, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि $47 कितना होता है। तो 3.5 महीने के अंदर ये $47 अर्न कर रहा है, दैट मीन्स 3,900, नॉट बैड। ये एक एस्टिमेटेड अर्निंग है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये कोई रियल नहीं बता रहा, बट इतना ये चैनल अर्न कर रहा है मिनिमम। और अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो 759 है। अगर हम इसको 750 भी पकड़ते हैं, 759 न पकड़ते हुए 750 भी पकड़ते हैं, तो ये तकरीबन 62,565 के करीब आ रहा है। अगर हम इसे 62,500 भी पकड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आप इसी, ये तो ये एक मंथली अमाउंट है और ये बहुत अच्छी अमाउंट है। आप इसकी ईयरली इनकम अगर कैलकुलेट करोगे तो ये इससे भी ज़्यादा जाए। और ये जो अर्निंग है ये सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस से अर्निंग है। इसके अलावा जो अर्निंग होती है ब्रांड कोलैबोरेशन, पेड प्रमोशंस के थ्रू, वो भी अर्निंग एक अलग अर्निंग होती है। जी हाँ, ये जो YouTube होता है इसके एडसेंस से सिर्फ और सिर्फ इंसान 20 से 30% अर्न करता है, बाकी का जो भी अर्निंग होता है वो ब्रांड कोलैबोरेशन एंड पेड प्रमोशंस के थ्रू होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को कैसे बनाया जाता है, कहाँ से इमेजेस ली जाती है, वॉइस ओवर, फ्री वॉइस ओवर किस तरीके से किया जाता है, इसी के साथ साथ आपको एनिमेशन कैसे करना है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो स्टोरी कैसे जनरेट करे। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं।
ओके, टू क्रिएट एनिमेटेड स्टोरीज यूजिंग फ्री एआई टूल, जितने भी टूल हम इस्तेमाल करेंगे वो सब फ्री एआई टूल्स होंगे। तो इसके लिए आपको 4 स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें स्टोरी जनरेशन करनी रहेगी, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, जिन्हें आती भी है, टू सेव टाइम, ये जो है एक टूल है जेमिनी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके इस्तेमाल से आप फ्री में स्टोरी जनरेट कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर ऑल फ्री एआई टूल्स। सेकंड स्टेप जो है वो है इमेज जनरेशन का। इमेज जनरेशन जो है, इसके लिए भी हम फ्री टूल का इस्तेमाल करेंगे, और इमेज जनरेशन के लिए हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करना ज़रूरी है। तो ये प्रॉम्प्ट किस तरीके से जनरेट करते हैं वो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगी, और बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस कैसे जनरेट करना है यूजिंग प्रॉम्प्ट, वी विल सी आगे इन द वीडियो। एंड ऑल्सो किसी भी वीडियो का सक्सेस जो है होता है वो इमेज एंड एनिमेशन के ऊपर ही होता है। नाउ जो थर्ड स्टेप है वो वॉइस ओवर का है। वॉइस ओवर के लिए जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे वो कम्प्लीटली फ्री होगा, उसमें कोई वर्ड लिमिटेशंस नहीं होगा, जिसके आप अक्सर बहुत सारे फ्री ऐप्स में देखते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे वॉइस के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्टिल जो अपनी खुद की आवाज़ देने में सक्षम है, आई सजेस्ट कि आप खुद की आवाज़ दो, क्योंकि उससे जो है ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन वॉइस जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप, जिसमें आपको जो इमेज आपने सेकेंड स्टेप में जनरेट करी है उसे आपको एनिमेट करना है। एंड एनिमेशन के लिए हम जो ऐप इस्तेमाल करेंगे, जिस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी कम्प्लीटली फ्री होगा। इसका मतलब ओवरऑल चारों स्टेप में जो भी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो सब फ्री है एंड अनलिमिटेड है। चलिए सबसे पहला स्टेप जो कि स्टोरी जनरेशन है वो सीखेंगे। इसके लिए आपको ओपन कर लेना है जेमिनी, जिन्हें जेमिनी से कंफर्ट है वो जेमिनी ओपन कर सकता है, या फिर एक और टूल है चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए जेमिनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगी, तो ये मुझे नहीं पता मुझे किस टाइप की स्टोरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगी कि गिव आइडियाज़ फॉर मोटिवेशनल पुअर स्टोरी, या फिर इमोशनल सैड स्टोरी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। एंड देन प्रेस कर लीजिएगा एंटर। इसके बाद आप देख सकते हो आपको 3 टाइप्स की स्टोरी मिली। सबसे पहला जो है वो ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स है, सेकेंड फाइंडिंग वैल्यूज बियॉन्ड मनी है, एंड थर्ड टर्निंग ट्रेजेडी इंटू ड्रीम्स है। और हर टॉपिक में आप देख सकते हो 2 स्टोरीज है। सबसे पहला जो ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल है उसमें आप देख सकते हो एक डिटरमाइंड स्कॉलर है एंड द अनलाइकली एथलीट है। तो इस प्रकार आपको एक ही प्रॉम्प्ट से 6 स्टोरीज मिल गई डिफरेंट टाइप्स की। तो अब आप इनमें से कोई भी एक स्टोरी चूज कर लीजिएगा जो आपको लगती है कि वायरल हो सकती है। ठीक है, ठीक है। जब आप कोई भी स्टोरी पढ़ते तो आपको पता चल जाता है कि इमोशनल स्टोरी है। जैसे ही आप इनमें से किसी एक को चूज कर लोगे, तो पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे लास्ट में एक चीज़ बोल रखी है कि रिमेंबर द की टू अ मोटिवेशनल स्टोरी इज टू शो द कैरेक्टर्स स्ट्रगल, द अनवेवरिंग स्पिरिट एंड द अनइवेंचुअल ट्रेम। दिस कैन इंस्पायर रीडर्स फेसिंग देयर ओन चैलेंज टू फाइंड द स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग। इसका जो इस्तेमाल है हमें करना है। ओके, हमें जो ये जो स्टोरी के आइडिया उसे तो कॉपी करना ही है, बट इसे भी कॉपी करना है। और कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो है आपने जो भी स्टोरी सेलेक्ट करी है उसे आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी करके आपको जो एंटर प्रॉम्प्ट दिख रहा है वहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें जो है ग्रामेटिकली ये सही नहीं लग रहा है, तो हमें सबसे पहले इसे ग्रामेटिकली सही करना पड़ेगा। पहले आप पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा टेल द स्टोरी ऑफ द अनलाइक एथलीट, इतना तक सही है। फिर उसके बाद जो है एथलीट के बाद जो है आपको डिलीट कर देना है एंड हु इज अ स्क्राउनी बॉय। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। इस तरीके से जो है आपका जो प्रॉम्प्ट है अच्छी तरीके से आपने लिख दिया है ग्रामेटिकली सही, पर अभी ये प्रॉम्प्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर में कि वो जो लास्ट वाली लाइन थी रिमेंबर की, ये आपको यूज करना है, तो ये आपको यहीं पे यूज करना है। आप इसे कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से एंड देन इसे यहीं पे कंटिन्यूएशन में पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये कर देते हो आपको इसे कर लेना है एंटर। अब एंटर करने के बाद आपके पास जो है एक अच्छी खासी स्टोरी जनरेट होके आ जाएगी। एंड वंस यू गेट द स्टोरी, आपको ये स्टोरी अच्छे से पढ़ लेनी है। मेक श्योर कि आप ये स्टोरी को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपको जो है एक आइडिया चाहिए कि स्टोरी किस तरीके की है। सो
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी और साथ ही साथ इसकी जो इंग्लिश है वो यूएसए एंड यूके की ऑडियंस को टारगेट करती है, और वो भी आप बिना इंग्लिश के ज्ञान के इस तरीके की स्टोरी बना रहे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो ये स्टेप को काफ़ी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और फिर बाद में अब हमारे पास स्टोरी आ गई है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब सेकंड स्टेप इमेज जनरेशन करना है, तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट की ज़रूरत है, तो प्रॉम्प्ट भी हम यहीं से लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड लिख देंगे कि राइट प्रॉम्प्ट फॉर ईच सीन टू जनरेट ब्यूटीफुल इमेजेस फॉर दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी को आपको कर लेना है कॉपी, कॉपी करने के बाद आपको प्रॉम्प्ट पे मैंने जो दो इन्वर्टेड कॉमास दिखाए हैं है ना, ये तो ये आपको कॉपी कर लेना है, ये थ्री डॉट्स आपने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है वहाँ पे जो दो इन्वर्टेड कॉमास है उसके बीच में से पेस्ट कर दीजिएगा। अब पेस्ट करने के बाद हिट द एंटर बटन, आप देख सकते हो कि आपको हर सीन के लिए प्रॉम्प्ट मिल रखा है, ठीक है, हर सीन के लिए यू गॉट द प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके हम जो है सेकेंड स्टेप जो कि इमेज जनरेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, वन बाय वन इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी कर लेंगे और हम जाएंगे बिंज कोपाइलट में। जी हाँ, बिंज कोपाइलट ऐसा टूल है जिससे आप अनलिमिटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप राइट साइड में देख सकते हो डिजाइनर का ऑप्शन है, मैंने पिंक से रेक्टेंगल बनाया है, आप उसे ओपन कर लीजिएगा एंड देन आस्क मी एनीथिंग में यहाँ पे आपको जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के पहले आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट एन इमेज ऑफ, और उसके बाद जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे कर दीजिएगा पेस्ट, एंड वंस आपने ये पेस्ट कर दिया हो उसके बाद आपको हिट करना है एंटर बटन। एंटर बटन हिट करने के बाद आप देख सकते हो आपके पास चार इमेजेस आए हैं, आपको चारों के चारों इमेज डाउनलोड करने हैं, बिल्कुल जी हाँ, आपको चारों के चारों इमेजेस डाउनलोड करने हैं। अगर आप इमेज सेटिस्फाइड नहीं हो तो नीचे में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा, आपको इमेज और मॉडिफाई होकर मिल जाती है, ओनली इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड हो तो आप इनमें से फर्स्ट इमेज चूज कर लीजिएगा एंड इसे डाउनलोड करना है, पर डाउनलोड करने के पहले इसको 16:9 रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए देखो मैंने ब्लैक से सर्कल किया है, आपको वो प्रेस करना है, वो प्रेस करने के बाद आपको लैंडस्केप जो दिख रहा है उसे प्रेस करना है। इसके बाद आपकी जो इमेज है वो कुछ सेकंड्स में रिक्रिएट होके आपके सामने आ जाएगी, जैसे ही ये रिक्रिएट होके आ जाएगी आपको इसे डाउनलोड कर लुक्स गुड कर लीजिएगा एंड देन इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके लिए आप ऊपर में जो थ्री डॉट्स दिख रहा है इसमें चले जाइएगा एंड देन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये प्रोसेस आपको पहले तो इन चारों के साथ रिपीट करिएगा, 16:9 रेशियो में कन्वर्ट करिएगा एंड देन जैसे ही ये जो फर्स्ट सीन के चारों इमेज आप डाउनलोड कर लेते हो तो सेकेंड सीन का भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लाइए पेस्ट करिए, थर्ड सीन का भी लाइए पेस्ट करिए, इस तरीके से सारे प्रॉम्प्ट्स जेमिनी से कॉपी करिए यहाँ पेस्ट करिए एंड इमेज जनरेट करिए। नाउ अब जो है हम जाएंगे वॉइस ओवर के लिए, स्टेप टू कंप्लीट हो चुका है, स्टेप थ्री में जाएंगे। स्टेप थ्री जो है वो वॉइस ओवर का है, जिसके मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वॉइस ओवर के लिए मैं आपको जो टूल बताऊंगी वो कम्प्लीटली फ्री है। जी हाँ, उसमें कोई वर्ड लिमिटेशंस नहीं है, जैसे कि बहुत सारे ऐप्स में होता है वो लोग वर्ड लिमिटेशंस डाल देते हैं 2000 वर्ड्स की। तो ये जो ऐप है टूल है टेक्स्ट टू स्पीच ऑनलाइन, इसे आप ध्यान से है ना लिखिएगा टेक्स्ट टू स्पीच डॉट ऑनलाइन। आप जैसे ये प्रेस करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल्स है, वॉइस है, रोल, स्टाइल, स्पीड, पिच सब कुछ है। तो आपको क्या करना है, जेमिनी से जो आपने स्टोरी कॉपी की थी, ठीक है, आपने जेमिनी से जो स्टोरी कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट करना है। अब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो वो कितनी भी बड़ी स्टोरी हो यहाँ पे कोई वर्ड लिमिटेशंस नहीं लगेगी, ठीक है, कितनी भी बड़ी स्टोरी डाल सकते हैं इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमने कर लिया जेमिनी से स्टोरी कॉपी, और हम यहाँ पे आएंगे जो पहले से लिखा हुआ है उसे पहले तो आपको डिलीट करना है एंड देन यहाँ पे जो स्टोरी थी उसे पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे वॉइसेज हैं, ठीक है, पहले वर्ड लिमिटेशन आप देख सकते हो 2836 वर्ड्स, इट्स स्टिल नो लिमिटेशंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोकल्स के, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन वॉइसेज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो प्ले करके दिखाती हूँ। Jim was a wisp of a boy, a tangle of limbs perpetually dusted with the red earth of the Mumbai slums. Clothes hung loose on his तो आपको इसी तरीके से सारे वॉइस को प्ले करके देख लेना, आपको जो भी वॉइस अच्छी लगती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली मेरा यहाँ पे एक जो क्रिस्टोफर करके एक वॉइस है, क्रिस्टोफर म्यूरल मेल, वो काफ़ी अच्छी है।
Jai was a wisp of a boy, a tangle of limbs perpetually dusted with the red earth of the Mumbai slums. Clothes hung loose on his front. तो आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी वॉइस जो है सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन आपको डाउनलोड करना है. डाउनलोड करने के लिए पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा एंड ओनली देन योर कैन डाउनलोड द फाइल. एंड वंस द फाइल हैज बीन डाउनलोडेड, योर वर्क हैज बीन डन, आप जो भी फाइल मैनेजर है वहाँ पे जाकर देख सकते हो. अब जो है हमारे पास इमेज स्टोरी जनरेट होकर आ चुकी है, इमेज है एंड वॉइस ओवर. अब क्या बचा है, हमें इमेज को एनिमेट करना. अब इमेज को एनिमेट कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे. तो लेट्स गो कि हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट इमेज टू जनरेट एनिमेटेड इमेजेस एंड दैट टू फॉर फ्री एंड अनलिमिटेड. ओके, तो इसके लिए हम आ जाएंगे Haper.ai में आपको कर लेना है साइन अप. करने के बाद लॉग इन कर लीजिएगा एंड देन आपको राइट में सबसे ऊपर में स्टार्ट क्रिएटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उसे कर लीजिएगा प्रेस. इसके बाद आपको चले जाना है एनिमेट योर इमेज. अब आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोड इमेज का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसे प्रेस कर लीजिएगा एंड देन यहाँ पे एक एक करके सारे फोटोज डाल दीजिएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो या फिर नहीं दोगे तो भी अपने आप जो है इमेज को एनिमेट कर देगा. जिसके मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमेट द बॉय मेक हिम रनिंग. ठीक है, एंड देन इसको 4 सेकेंड्स का करके क्रिएट में प्रेस कर दीजिएगा. अब इट विल टेक टाइम क्योंकि हम जो है फ्री वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पेड वर्जन तो है नहीं. आप अपग्रेड कर सकते हो पेड वर्जन में, बट आई वुड सजेस्ट जब आप अर्निंग करना स्टार्ट करो तभी आप इसका पेड वर्जन लो. ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी टू डू सो. अब जैस बाय द टाइम ये वीडियो जो है होती है जनरेट, हमें क्या करना है, एक करके सारे इमेजेस यहाँ पे कर देने हैं अपलोड. ठीक है, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा सारे इमेज को जनरेट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे 15 से 20 मिनट. स्टोरी जनरेशन के लिए 2 मिनट, ठीक है, इमेज जनरेशन के लिए भी 2 मिनट्स एंड देन वीडियो जनरेशन के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे 15 से 20 मिनट. तो इसी तरीके से आपका आधे घंटे में ये पूरा काम हो चुका है. ठीक है, अब इसमें जो है डेडिकेशन एंड पेशेंस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि एक फ्री ऐप है. अगर आप यहाँ पे हिम्मत हार जाओगे तो आप आगे की वीडियो नहीं बना पाओगे, इसीलिए मैं आपको बार बार कहूँगी कि डेडिकेशन एंड पेशेंस इज मस्ट अगर आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे हो, दैट टू यूजिंग फ्री AI टूल्स. ठीक है ना, अब इसे हमें कर लेना है डाउनलोड. नीचे में मैंने सर्कल किया है, वहाँ से आप कर लीजिएगा डाउनलोड. इसी तरीके से सारे इमेज आप यहाँ वीडियोज यहाँ से कर लीजिएगा डाउनलोड. नाउ आपकी फाइल हो चुकी है डाउनलोड. अब जो है हमने ये सारा जो है रिपीट कर लेना है हर फोटोज के साथ. अब हमने जो है इमेज को एनिमेट भी कर लिया है हेपर AI के थ्रू. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था स्टोरी जनरेशन, सेकेंड इमेज जनरेशन, थर्ड वॉइस ओवर एंड फोर्थ एनिमेशन का सारा स्टेप हो चुका है. तो अब क्या बचा है, एडिटिंग. जी हाँ, एडिटिंग जो कि बहुत धास होनी चाहिए. पर उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टोरी जनरेशन के लिए हमने 2 मिनट लगाए, वॉइस ओवर के लिए 2 मिनट, इमेज टू एनिमेशन के लिए 15 से 20 मिनट, मतलब 30 मिनट में हमारा लगभग लगभग सारे काम हो चुके हैं. ठीक है, जिनके जिन्हें थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. अब बात करेंगे एडिटिंग की. अब आपको एडिटिंग में कितना टाइम देना है, 5 से 10 मिनट, जो कि प्रो लोग होते हैं वो 5 से 10 मिनट में इसकी एडिटिंग कंप्लीट कर देंगे. आपको इमेज एंड वीडियो को वॉइस ओवर के साथ ही कनेक्ट करना है, दैट्स इट. और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 मिनट लगेंगे एडिटिंग को, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना क्योंकि सारे इफेक्ट्स एनिमेशन एंड फिल्टर वगैरह डालने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगना चाहिए. इसका मतलब आपका 1 या 1.5 घंटे में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा. तो दिन के आप अगर 1.5 घंटे में एक स्टोरी बन रही है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि दिन में आप अगर ब्रेक लेके भी करोगे तो 4 से 5 वीडियो आप आसानी से बना सकते हो. एक दिन पूरा वीडियो बनाने के लिए लगाइए और एक दिन पूरा SEO करके इसे अपलोड करने के लिए करिए क्योंकि SEO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी वीडियो को बनाना इट्स ईजी थिंग, बट SEO के साथ अपलोड करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. SEO के लिए लगभग आप 30 से 40 मिनट लीजिएगा. आई प्रिफर कि आप 1 घंटा भी लोगे तो वो भी बहुत कम लगता है SEO के लिए. नाउ आई शो यू द डेमो इस तरीके से आपको जो है एडिटिंग करनी है. यू कैन बी मोर क्रिएटिव, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्रिएटिव रहूँगी नहीं. ठीक है, तो मैंने ओपन कर लिया है यूकट ऐप. ठीक है, यूकट ऐप में आपको आ जाना है और इसी के साथ साथ आपने जितने भी इमेज डाउनलोड की थी, जी हाँ इमेज भी आपको लेनी है, प्लस वीडियो एनिमेटेड वीडियो जो हमने बनाया है एंड वॉइस ओवर, इन सबको यहाँ पर लेके आ जाना है और कुछ इस प्रकार रख देना. देखा, मैंने पहले वीडियो लिया है फिर इमेज, वीडियो इमेज, वीडियो इमेज. इससे क्या होता है आपका जो टाइम है वो
खिंच जाता है, ठीक है। तो वॉइस ओवर के साथ आप इसे अच्छे से मैच कर दीजिएगा दोनों की टाइमिंग, एंड वंस आप इसे वॉइस ओवर के साथ मैच कर दोगे आपकी वीडियो हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट। आप इस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द रिजल्ट। आप मुझे बताइएगा अगर आपने मेरा इस ट्यूटोरियल को इस्तेमाल करके वीडियो बनाई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी वीडियो को ज़रूर देखूंगी और आपके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करूंगी, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो होती है एंड, हमारा जो रिजल्ट है कुछ इस प्रकार का है। Jai was a wisp of a boy, a tangle of limbs perpetually dusted with the red earth of the Mumbai slums. Clothes hung loose on his frame, a testament to the meager meals his family could afford. Yet, when Jai ran, the slums faded away. He was a blur of brown skin and wild hair, propelled